रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसे मोदी के गारंटी का नाम दिया गया है। शाह ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो कृषि उन्नत योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य के हिसाब से खरीदी जाएगी। इसके साथ ही एक मुश्त भुगतान करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने मजदूरों को 10,000 रुपये देने का भी बड़ा वादा किया है। इसके साथ ही विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देने का वादा किया है, यानी कि हर महीने विवाहित महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये देने का बड़ा वादा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में किया है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र होता है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने 15 साल में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में तब्दील किया। अब फिर से चुनाव आया है, छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर लाना बीजेपी का काम है और बीजेपी ने ये किया भी है। आज यहां पर मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए ये पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना था। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कुछ ही समय के बाद हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल तक रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और ये 15 साल छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले 15 साल रहे। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया। मुझे मालूम है यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूं, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम